सो गाइस आज मैं करने वाला हूँ चीप वर्सेस मोस्ट एक्सपेंसिव जिम चैलेंज। और पहले हम जाएंगे चीप जिम के अंदर और वहाँ का एनवायरनमेंट देख, उसके बाद फिर हम जाएंगे मोस्ट एक्सपेंसिव जिम के अंदर और देखेंगे कि लोग वहाँ पे क्यों इतना पैसा खर्चते हैं, और एंड पे रिव्यू देंगे कि किस जिम में आप अपनी बॉडी को अच्छा बना सकते हो और अपने आप को वेल मेंटेन कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोगों ने इसको पूरा एंड तक देखना है। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं बाकी वीडियो की तरफ। हे गाइस, दिस इज अब्दुल्ला शेख। आज हम करने वाले हैं एक्सपेंसिव वर्सेस चीप जिम चैलेंज। यू नो चीप जिम का फायदा क्या होता है? वो आपके पापा जी का होता है, आप जब चाहे खुलवा सकते हो। तो अभी हम आए इस जिम के अंदर, बस खत्म भी हो गया लगता है। इतना सा था बस, ये टोटल जिम है। ये तो फिर स्मॉलेस्ट जिम में भी आ जाएगा। तू बाद आ जा, बाद आ जा। तो अभी मैं चीप जिम आया हूँ, ये आप देख सकते हो, ये टोटल ओवरऑल जिम है। टोटल इसमें गिनती की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 मशीन्स हैं बस, खत्म, बाय बाय टाटा गया। और उससे हमने फुल बॉडी वर्कआउट करने की कोशिश करनी है और देखते हैं कि हम कर सकते हैं। तो ये चैलेंज बड़ा मजे का होने वाला, आपने एंड तक देखना है। तो इसमें वेट चेक करते हैं, कितने वेट है हमारे पास। ये कितना वेट है? ये मैं किस दुनिया में आ गया, क्या शमशान है, किधर आ गया मैं, कौन था यार? आवाज कहाँ से आ रही है, मैं किधर आ गया, ये कौन था यार? और मशीन टेस्ट करके देखते हैं कि क्या कैसी मशीन है यहाँ पे। सबसे पहले अर्नोल्ड वाली करेंगे, वो याद है अर्नोल्ड ओल्ड स्कूल में लगाया करता था। ये देखें रॉड, अर्नोल्ड वाला रॉड है पुराने जमाने वाला। तो ये मशीन लगा के चेक करते हैं कैसा फील होता है। वाह यार वेरी नाइस, पूरा मसल को फील हो रहा है, रियल डेड, रियल डेड मसल है इसमें, पूरा फील हो रहा है इसको। मतलब ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज है लेकिन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अभी मुझे थोड़ी सी स्मिथ मशीन ट्राई करते हैं, स्मिथ मशीन कैसी है, एक लेग मारते हैं थोड़ा सा। ये क्या आवाज है, ये क्या है? पैसा बर्बाद यार, अजीब। इसका वो पूरा उन्होंने ऑयलिंग नहीं की हुई, बहुत गंदी हुई हुई। और ये देखें हाथ कितने गंदे हो गए मेरे यार। थोड़ा सा सीटों को चेक करते हैं, कितनी साफ सीट है इसकी, गंदी। स्निफ टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि साफ भी करता है या नहीं। गंदा, बहुत गंदगी है यार। ये देखो अभी मैं आप लोग एक शुगल दिखाता हूँ, ये देखें। अभी देखना मिट्टी कैसे उड़ेगी, चेक करना, अभी देखना मिट्टी कैसे उड़ेगी। ये देखो बहुत मिट्टी है यार, ये देखे, अभी देखना, अभी आप मिट्टी देखना, ये देखे यार गंदगी है। तो आप और मशीन देखते हैं, ये चेस्ट प्रेस पड़ी हुई है, और कौन सी, एक लेग प्रेस, लेग प्रेस चेक करें यार। ये मशीन मजे की है, ये चेक करो, ये कितनी पुरानी मशीन है, देखें फुल लोहे की मशीन है और ये कितनी पुरानी मशीन है। ये मैंने आज तक कहीं भी, मैंने किसी जगह पे मैंने आज तक नहीं देखी। ये मैंने अर्नोल्ड के टाइम पे देखी थी, आई थिंक वो अर्नोल्ड लगाया करता था इस मशीन से। कितनी पुरानी मशीन है देखें, ये आई थिंक बहुत ओल्ड सेंचुरी की मशीन है। इसको हैक स्क्वाड बोलते हैं, ट्राई करते हैं करके। बहुत हैवी, बहुत हैवी वेट है इसका यार, आई स्वेयर इसका वेट तकरीबन 30-40 किलो का तो लग रहा है यार। और ये पूरा रेंज ऑफ मोशन नीचे जाती है, पूरा ऊपर आती है, बहुत भारी मशीन है यार। लेकिन बिलीव मी यार, क्या इसकी चस है, पूरा क्वाड्स में फील हो रहा है इसका। लेग प्रेस देखें, छोटी सी लेग प्रेस है लेकिन ट्राई करते हैं। ये क्या है यार, ये तो, और ये देखें लॉक कैसे होती है, ऐसे लॉक होती है, नहीं यार मज़ा नहीं आया, बहुत छोटी है, इस पर ज़्यादा वेट डालोगे तो टूट छूट जाएगी। ये लेग एक्सटेंशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, लेग के लिए हर जिमर इस्तेमाल करता है इस मशीन को। ये चेक करते हैं, ये क्या है यार, ऐसा लग रहा है देखिए मुंह पे लगेगा आके, नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा। ये देखें ऐसा फील हो रहा है, मतलब एंगल भी नहीं आ रहा पूरा, नीचे रेंज ऑफ मोशन भी नहीं जा रही। और इसमें मजे की बात ये देखिए, ये क्या लगा हुआ है, ओ बेस, ये देखो लेग कर्ल भी बन गई, मतलब आप उठा हो के आप अपने वो लगा सकते हो। किस तरह लगानी है ये देखो, उठा हो के ये, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। ये आप हैमस्ट्रिंग के लिए लगा सकते हो, लेकिन ये हैमस्ट्रिंग अच्छी थी, हैमस्ट्रिंग अच्छी है लेकिन लेग एक्सटेंशन का बिल्कुल मजा नहीं आया। अच्छा तो ये सारा सामान है, ये एक देख लेते हैं,
इसे पूरा वेट करके दिखाते हैं कितना वेट है। और इस मशीन की मजे की बात देखें, इधर भी पुली लगी हुई है, ये पुली लगी हुई है जिससे आप यहाँ से बाइसेप कर्ल कुछ भी लगा सकते हो, और इसके अलावा दोनों साइडों पे है, और ये छोटा सा नन्ना सा रॉड है, लेकिन पूरा वेट लगा के देखते हैं कि हम लगा सकते हैं कि नहीं। ट्राइसेप चैलेंज 1 2 3 लगा लिए, इतना ज़्यादा वेट नहीं है यार, नॉर्मल है, लेकिन मशीन सॉलिड है, मतलब हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। लोहे की प्रॉपर मशीन है, पता चल रहा है कि कोई चीज है। अब हम करने वाले हैं मैक्स वेट चैलेंज के, डंबल का फुल वेट मैं उठा सकता हूँ या नहीं। इसमें जो मैक्सिमम वेट है देखें 30 किलो है, डंबल्स का पता ही नहीं चल रहा कौन सा कहाँ पड़ा। और ये देखें स्टीम लेवल के गंदे डंबल्स हैं यार, मतलब सफाई नहीं है बिल्कुल भी। चलो उठाने की 3 2 1 ईजी पीजी यार, ईजी पीजी, आराम से उठ गए। छोड़ो यार नीचे फेंक देते हैं, किसी ने क्या देखा। कैसा फिर मारने का आएगा तू? यार मुझे ना बहुत जोर से वॉशरूम आ रहा है, मैं वॉशरूम किधर जाऊँ? चेंजिंग रूम देखते हैं। ये क्या यार, ये तो कबाड़ खाना लग रहा है। वाओ व्हाट एन ऑफिस, इधर चड्डी लोगों की सूख रही है। चेक करते हैं कि चेंजिंग रूम किधर है। ये क्या है, ये रहा चेंजिंग रूम। व्हाट द फक, ये चेंजिंग रूम है? That's the changing room. ये चलो चेंज ही करना है ना कौन सा, लेकिन मैं वॉशरूम कहाँ करूँ यार? यार मुझे वॉशरूम में नहीं समझ आ रही किधर करना है। एक मिनट यार, मैं अपने जरा दोस्त से कॉल करके पूछता हूँ कि वॉशरूम किधर है। हाँ लड़के यार, तेरे जिम आया हूँ मैं, ये वॉशरूम किधर है? इधर क्या वॉशरूम नहीं जाते, किधर करने जाते तुम लोग? मस्जिद के अंदर वॉशरूम करने जाते? ये फंस गया सी है। अभी एक्सरसाइज फिनिश की है, पंप आप लोग देख सकते हैं। चीप जिम का एक और फायदा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप अपनी शर्ट उतार सकते हो, जो कि आप बाकी जिमों में नहीं उतार सकते। ओहो बस, लाइट बहुत अच्छी है यार, लाइटिंग लाइटनिंग बहुत अच्छी है, नज़र आ रहा है कि आप शर्ट उतार सकते हो, क्योंकि बाकी जिम में मसला ये होता है, जितने भी एक्सपेंसिव जिम होते हैं शर्ट नहीं उतारनी पानी तो चेंजिंग में जाना पड़ता है, तो इधर आप शर्ट उतार सकते हो। दैट्स अ बिग, मेरे लिए आई थिंक ये एडवांटेज बहुत अच्छा है। इस जिम की सबसे मजे की बात जो है वो ये ट्रैक है जिसको आप देख सकते हैं। इधर आपको कोई ट्रेडमिल नजर नहीं आएगी, कोई मशीन नजर नहीं आएगी, इधर आपको सिर्फ रॉ वर्कआउट नजर आएंगे। एक रनिंग चैलेंज करने लगे, उधर से इधर से फुल स्पीड में भागेंगे और वापस आएंगे। तो यार ये चीज़ आपके पैसे पूरे करती है, क्योंकि ये जो ट्रैक रनिंग है ना, ये अगर आप 10 मिनट भी भागते हो तो आपकी ट्रेडमिल की 30 मिनट की रनिंग से अच्छी है। अभी ये बड़े मजे की चीज़ है यार, ये टायर फ्लिप मुझे हमेशा से बहुत पसंद था। ये इसको बोलते हैं रियल कार्डियो। जिम लॉकर्स यही है, देखें लॉकर्स, आपको कोई चाबी शाबी कुछ नहीं है, सारा टूटा फूटा वाला सीन है, देखें मतलब जिसने लेना होगा ले लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा, ट्रस्ट वाला सीन है इधर टोटली। और ये एक छोटा सा जिम था, तो वीडियो को आपने एंड तक देखते रहना है, और अब चलते हैं लास्ट एक्सपेंसिव जिम की तरफ। सो गाइस अब हम आए हैं मोस्ट एक्सपेंसिव जिम की तरफ, स्टार्ट जो हो रहा है स्विमिंग पूल से, बहुत प्यारा सा आउटडोर स्विमिंग पूल है। इसके अलावा सिटिंग एरिया, स्टीम भी है, सोना भी है, स्पा भी है, उधर थोड़ा काम हो रहा है। अब हम अंदर जाएंगे और अंदर की वाइब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अब आ गए अंदर, और सबसे पहले तो आप देखो कि बहुत मजे की इन्होंने जो है इंटीरियर इसका बहुत जबरदस्त किस्म का इन्होंने बनाया हुआ जिम। और साथ ये सबसे पहले आता है ट्रेडमिल वाला सेक्शन, जो भी कार्डियो का सेक्शन है, एंड वेरी अमेजिंग लाइफ फिटनेस की ट्रेडमिल्स हैं, बहुत अच्छी ट्रेडमिल है, थोड़ा ट्राई करते हैं ट्रेडमिल के ऊपर। ट्रेडमिल बहुत स्मूथ है, मतलब जिम्स के अंदर ट्रेडमिल होती है स्मूथ नहीं होती, नीचे से मजा नहीं आ रहा होता करने का, लेकिन अच्छी ट्रेडमिल है, बहुत लाइफ फिटनेस बाकी अच्छा ब्रांड है। साइकिल जो होती है वो सारी पड़ी हुई है, बड़ी अच्छी सीक्वेंस से रखी हुई है इन्होंने। तो ये पूरा कार्डियो का सेक्शन है इनका। शोल्डर से स्टार्ट करते हैं, क्या सीन है यार, स्मूथ है। अब हम करते हैं फुल वेट चैलेंज, उधर तो मैंने लगा लिया था, लेकिन डेट सी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता। ओह भैंस बहुत हैवी है, अगर मैं यूं लगाऊं तो लगा लूंगा, लगा लिया, लेकिन ट्राई से भी नहीं लगेगा। अच्छी है, मतलब ये कह सकते हैं कि मशीन में ऑयलिंग अच्छी हुई हुई है और सही ऊपर नीचे सही जा रही है। अब ये देखो कि वेट इन्होंने प्रॉपर 15 किलो वाले इस साइड पे रखे हुए हैं, 5 किलो वाले इस साइड पे हैं, मतलब पूरा ऊपर इन्होंने डिफाइन करके रखे हुए हैं। जो दूसरा जिम था वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे डिफाइन नहीं हुए थे। सफाई चेक करते हैं, सीट से सफाई देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसी की ऐस की खुशबू नहीं आ रही।
क्लीन है, बाकी अच्छा साफ सुथरा जिम है। सर हमें मिले एक उनसे एक पूछते हैं वन कमेंट अबाउट दिस जिम। जिम की लोकेशन बहुत अच्छी है लेकिन इम्प्रूवमेंट इनके जो चाहिए वेट्स हैं और एक्सरसाइज की जितनी मशीनरी जब कम्प्लीट नहीं है वो कुछ पुरानी है, इसको इम्प्रूवमेंट चाहिए। क्या चीज इस जिम में है जो इम्प्रूव करनी चाहिए, मतलब इस वेट्स के अलावा? नहीं और तो कुछ नहीं। ये जिम बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ वाले बहुत फ्रेंडली हैं, जैसे कहते हैं जिम इज लाइक अ सेकंड होम, यहाँ पे ऐसी फील आती है मुझे। अच्छा अगर आप मेरे जैसा कोई बंदा है जिसको शुगर मिला चाहिए, सही मतलब उसको चाहिए अपनी जिंदगी में फन, अच्छा वो जिम को क्यों ज्वाइन करेगा? जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है, आपके पास स्टीम सॉना स्पा भी है, बॉलिंग एरिया भी है, कैफे भी है, आप पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, मतलब सो भी सकते हैं नहीं सो नहीं सकते। चलो मैं कभी चैलेंज भी आप लोगों के लिए करूंगा कि मैं पूरा दिन जिम में स्पेंड करूंगा। थोड़ा टॉवल को स्मेल करके चेक करते हैं ये खुशबू कैसी काम वाले हैं। क्लीन, वेरी क्लीन। प्रोटीन बार इनके पास है, दैट्स अ गुड थिंग। प्रोटीन बार जिम्स में होना चाहिए क्योंकि लोग जो होते हैं ना अक्सर एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पे बैठो आप रिलैक्स करो। चलो जेंट्स लॉकर चेक करते हैं क्योंकि जब जिम आप कोई ज्वाइन करते हो तो आप उसमें हमेशा जाके लॉकर लाजमी देखते हो। आ जाओ। ओह नाइस लॉकर्स यहाँ पे हैं, लॉकर्स की key आई थिंक आप लोगों को मिलती है, एक एक खुला हुआ चेक कर लेते हैं। शॉवर वाली जगह यहाँ पे वॉशरूम, बाकी दे आर गुड यार, साफ सुथरा है, अच्छा है, मतलब मजे की चीज़ है। फिजियो का क्लिनिक भी इनके पास, मतलब अगर आपके दर्द वगैरह निकल हड्डी शड्डी कोई मसला हो जाए तो आप फिजियो के क्लिनिक भी जा सकते हो। फिजियो क्लिनिक है इनका प्लस पॉइंट, जिसमें आप अगर आपके कोई दर्द वगैरह निकल आता है तो आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो। अब मैं करने वाला हूँ मैक्सिमम डंबल कर्ल चैलेंज कि मैं कितने डंबल पे कर्ल कर सकता हूँ, मैक्सिमम कितने डंबल तक जा सकता हूँ। 15 से स्टार्ट करते हैं, इजी था यार ये तो। 20 पे जाते हैं, 20 की तरह यार, एक ये रहा एक ये रहा। चलो 20 भी इजी था यार, 25 चेक करते हैं। ट्वेंटी फाइव भी हो गया। अब ट्राई करते हैं 27, लेट्स सी 27 होता है कि नहीं। बिस्मिल्लाह हो गया, झटका मार के किया लेकिन हो गया। लास्ट करेंगे आई थिंक, मुझे लगता है 30 मैक्स होगा, लेट्स सी ट्राई करके देख लेते हैं। इस पर कल मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में कर्ल करने लगा हूँ 30 के जी पे, लेट्स सी होता है कि नहीं। बहुत भारी यार झटका मार के आधा हाफ वाला हो ही गया, दैट्स इनफ, लेकिन मुझे लगता है 32 पे भी जाना चाहिए, लेट्स ट्राई 32 झटका मार के देखते हैं होता है कि नहीं। ये बैंक मेरा बाजू ना टूट जाए, लेकिन ये आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। बहुत भारी, 1 हो गया लेकिन झटका मार के हुआ है। आई थिंक 35 करना चाहिए था, क्या कहते हैं मार्क्स? लगता है हाँ, तो मुझे मरवा दे यार। 30 है उसके बाद 40 है, या फिर आप लोग इस वीडियो पे कुछ अच्छा रिस्पांस दें तो फिर मैं नेक्स्ट बार जब जिम में आऊँगा उसी 50 करूँगा। चलो मैं 50 करूँगा, मैं 50 उठाने की कोशिश करूँगा कल पे, बेशक मेरा बाजू टूटता जो भी, लेकिन अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया तो मैं 50 भी करूँगा। सो गाइज ये था हमारा चीपेस्ट वर्सेज एक्सपेंसिव जिम का एक्सपीरियंस, एंड कौन जीता मेरे नज़दीक दोनों जिम जीते, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू आर पैशनेट अबाउट योर सेल्फ, और अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो जिंदगी में तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि कोई जिम मैटर करता है, आप किसी जिम में भी अपने गोल अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो शशका, आपके पास खुला पैसा है, आप इंजॉय करना चाहते हो, क्लीन इन्वायरमेंट चाहते हो, आप सिक्योर फील करना चाहते हो और भी बहुत सी चीज़ें, तो ये जिम बेस्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपने सिर्फ बॉडी बनानी है, आपको बाकी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, साफ सुथरा आप हो ही गंदे, तो आप बिल्कुल उस जिम में भी जा सकते हो। मैंने भी ओल्ड स्कूल जिम से स्टार्ट किया था और मैंने भी बॉडी अपनी ओल्ड स्कूल जिम में बनाई थी, क्योंकि सारे ओल्ड स्कूल जिम से बनाते। तो ये थी आज की वीडियो और ये था हमारा छोटा सा चैलेंज, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर मजीद इस तरह के चाहते हैं डिफरेंट चैलेंजेस तो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा, आप लोग इसी तरह के डिफरेंट चैलेंजेस लाते रहेंगे। टिल देन दोबारा मुलाकात करेंगे। अब्दुल्ला शेख साइन ऑफ, टेक केयर एंड